बात अगली खबर की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला दिवस और होली की शुभकामनाएं देते हुए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि महिलाओं ने देश दुनिया में आसमान को छू रखा है। त्रेता युग से लेकर आज 21वीं शताब्दी तक महिलाओं की गाथाएं इतिहास में दर्ज हैं। देश और समाज के निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। बेटी दो परिवारों को एक साथ लेकर चलती है। परिवहन मंत्री ने इस मौके पर पिंक बसों को महिलाओं के हाथों हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि ये बसें छात्राओं को स्कूल और कॉलेजों तक प्रदेश की बेटियों को सुरक्षित यात्रा प्रदान करेगी। हूँ यहाँ पर बल्लभगढ़ डिपो के अंदर ही, और ये आज जो आपके सामने सारा हुआ है बसेस का, ये पूरे हरियाणा में इस टाइम 150 बसेज आई हैं। इसमें से 9 बसेज जो हैं अपना बल्लभगढ़ डिपो को मिली हैं, और ये केवल महिलाओं के लिए ही तो चलेंगी, ताकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ताकि उनको स्कूल में जाते आते कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, ताकि लड़कियां जो हैं वो टाइमली स्कूल पे पहुंचकर अपना पढ़ पाएँ। सर, ये 9 बसें कौन कौन से रूट पे चलेंगी? ये आपको बाद में बता दें। वैसे हमारे पास बन चुके हैं, जहाँ जहाँ अभी तो चल रही थी हमारी, वो चल रही है अभी। हमारे यहाँ पर जो लोकल जो सारे वो कॉलेजेस हैं उनके अंदर ये चल रही है। फिर भी आपकी तरफ से कोई अगर और ये डिमांड होगी, हम उसको भी वो चलाएंगे। सर, क्या ये फ्री महिलाओं के लिए फ्री बस रखी गई है? फ्री बस रखी गई है, इसमें कॉस्ट नहीं रखी गई। नहीं, कोई। मंत्री जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आप हुड्डा कन्वेंशन सेंटर पहुँचे, क्या कार्यक्रम रहा? बसों की भी शुरुआत यहाँ की गई है, किस तरीके? आज महिला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय, और मुझे हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्य अतिथि फैजाद रखा है, और महिला दिवस पर हमने सभी जो महिलाओं ने देश और दुनिया में जो नाम किया है, और बेटियों ने जो हरियाणा का सम्मान बढ़ाया है सारे देश में, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये पिंक बसें बेटियों के लिए चलाई हैं। जो बेटियों के लिए पिंक बस रहेंगी, जो बेटियाँ में चलेंगे, और रूट यहाँ के अधिकारी तय करेंगे कहाँ कहाँ बस चलेंगे, कहाँ कहाँ पर जाएंगे। और बेटियों सब कुछ, सारी दुनिया में बेटियों सम्मान मिला है। बेटी ना होती तो ये संसार ना होता, और बेटियों के कारण ही संसार बसा है। और सब हम बेटी, कभी बहू है, कभी बहन है, कभी माँ है, और अंतिम जब रूप माँ का होता है तो संसार की जो संसार